So student, in the last class we have discussed triple S, S, S and RHS, isn't it? These two more criteria about the congruency of triangle. Okay? Now let's do its applications. Now let's solve the question based on these congruency rules. So the first question of 7.3 is here. Here we can see the triangle is given ABC and BDC. Both triangle are isosceles, okay? Yes, sir. Both triangle are isosceles. That is, on the same side of BC. AD are on the same side and AD extended to intersect BC at P. So what we have to prove? We have to prove triangle ABD congruence to triangle ACD. Okay. So let's prove. So in triangle ABD and ACD, what we see, AD equal to AC and BD given here, yes sir, or BD equal to CD or BD equal to CD. CD, this is also because, is it? And AD is equal to AD, both common. Okay? Common. So by SSS, okay? So by SSS, triangle ABD will be congruent to triangle ACD. Okay? Yes, sir. And this we have to prove. So this is the first part of this question. But this question consists of three parts. Now let's solve the second part. Triangle ABD. We have to prove triangle ABP congruent to triangle ACP. ACP. ठीक है. Okay, let's prove. In triangles, in these triangles ABP and triangle ACP, what we see, क्या देखते हैं हम लोग? AB और AC equal है. पहले AB और AC तो equal है. Yes sir. है ना? Yes sir. AB common है. Sir. ठीक है. और AB common है? Yes sir. Sir. Where है? Yes sir. और BB common है. Sir. BB और CB equal है. और? Sir. BB और CB equal है. बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि हमने BDC को और CDA को क्या कांग्रेस प्रूव किया था? है ना? हाँ. सो एंगल DAB, DAB विल बी इक्वल टू DAC प्रूव इन फर्स्ट पार्ट. है ना? सिंपलिसिटी कर सकते हैं. सिंपलिसिटी. ठीक है. सो बाय SAS, सो बाय SAS दिस इज प्रूफ. ट्रायंगल ए बी.
AP will be congruent to triangle ACP. Okay? So this is the second part. Yes. किसको? नहीं बेटा सब क्योंकि बीपी और सीपी भी इसका इक्वल है. बीपी और सीपी कैसे इक्वल है? कहां पता चला तुम्हें? इधर है तो तुम कैसे कह सकते हो ये और इसके इक्वल होगा? कॉमन तो ये भी हो जाएगा. यस सर. नहीं होगा कॉमन. ओके अंडरस्टूड. So the student, the third part of this question is we have to prove AP bisect angle A as well as angle B as well angle D. मतलब ये है कि इसको ही bisect करना है आधे आधे पे, है ना, और इस D को भी आधे आधे पे bisect कर रहा है. कौन सा? एपी, है ना. एपी जो लाइन है वो इन दोनों को क्या करनी, बाइसेक्ट करना और हमको प्रूफ करना है. तो चलिए प्रूफ करते हैं. लेट्स प्रूफ. हमने क्या देखा कि ए बी डी कॉम्पोनेंट्स है, है ना. ए बी डी कॉम्पोनेंट्स है एसीडी के, तो क्या होगा एंगल बी ए बी ए डी. एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू सी ए डी, क्योंकि ये कांग्रेस हमने प्रूफ कर दिया है एबीडी और उस पर सीपीसीटी से, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेस है तो ये इनके इक्वल होंगे, है ना. तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है. इन द सेम वे आपका वो एंगल भी इक्वल होगा, ये वाले एंगल भी, है ना, ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे. जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये भी आधा आधा, ये भी हाफ एंड हाफ, तो बाइसेप की हुआ ना, इजंट इट. इन द सेम वे इसी तरह ये एंगल भी आपका बी डी ए, बी डी ए इक्वल टू एंगल सी डी ए, सी डी ए, और ये दोनों जैसे इक्वल हो गए तो ये प्रूफ हो गया एपी इज द एपी बाइसेक्ट, एपी बाइसेक्ट एन ध्यान रखेंगे. हेंस इस तरह से एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, एंगल ए एंड एज वेल एज एंगल डी, ठीक है. नाउ वी हैव टू प्रूव द फोर्थ पार्ट, दैट इज एपी परपेंडिकुलर टू, एपी इज द परपेंडिकुलर सी एल. यस यू सी. नाउ वी हैव टू प्रूव AP is perpendicular bisector. Now we have to prove BP equal to PC. अब प्रूफ कर रहे हैं आप लोग BP PC बराबर, जो कि आप पहले ही प्रूफ कर रहे थे, पहले मान लिए थे कि BP PC बराबर, अब प्रूफ कर रहा है. तो देखिए ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों ट्रायंगल BPA और CPA कॉन्ग्रुएंट है. जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे CPCT से, और वो दोनों साइड भी इक्वल होगी सर, है ना. BPA देखिए प्रूफ करते फोर्थ पार्ट. वी नो दैट एंगल BPA विल बी इक्वल टू एंगल CPA, CPA सीपीसीटी से निकलेंगे, ठीक है. जब ये एंगल इक्वल हो गया, अच्छा इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे एंगल BPA प्लस एंगल CPA, तो ये 180 बराबर आएगा, आएगा ना, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको किसी को BPA का CPA, तो इसको ट्वाइस
month of the CPA, isn't it? By BPA, CPA जो बराबर है तो CPA equal to BPA मान लेते हैं तो BPA plus BPA that is 2 BPA is equal to 180. तो BPA की वैल्यू क्या आ गई 90 है ना? BPA की वैल्यू 90 आ गई, ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, ठीक है? तो क्या हो गया ये आपका परपेंडिकुलर हो गया. और जहां तक बात हुई बाइसेक्टर की, तो बाइसेक्टर आपका जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है ऑलरेडी, तो BP इक्वल टू PC हो गई बाय सिंपलिसिटी. सॉल्व कर लीजिएगा. ओके सो यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट. यहां BP विल बी इक्वल टू PC, BP इक्वल टू PC क्योंकि this BAP is congruent to BPC by following the simplicity rule. Will go okay. कल आप लोग ऐसे रहते हो जो जिसके लिए सॉल्व है. So students, let's deal with inequalities in a triangle. Yes. Okay. The next topic is inequalities in a triangle. So, if we have a triangle whose two sides are different. Suppose this is a triangle and the two sides अलग अलग हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, ठीक है? तो रूल ये कहता है कि जो बड़ा वाला साइड होगा ट्रेंगल का, उसके जो अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी बड़ा होगा. रूल ये कहता है. हालांकि अगर अगर ये बस ये ऐसा नहीं है ट्रेंगल, ये ट्रेंगल थोड़ा ऐसा है, नहीं तो ये राइट एंगल ट्रेंगल दिखेगा आपको, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? सपोज करिए ट्रेंगल एबीसी जिसमें बीसी जो साइड है वो बड़ी है, बीसी is greater than AB और BC greater than AC से भी बड़ी है, सबसे बड़ी है, ठीक है? तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ना, उसकी जो अपोजिट में एंगल होता है वो भी सबसे बड़ा होता है, ठीक है? So this is the first inequalities of triangle. If two sides of a triangle are unequal, then the angle opposite to the longer side is larger. Okay? Yes. So the angle opposite to the larger side is larger. So this is the first one. Now the second one is that the sum of angle two sides of a triangle is always greater than the third side. ओके मतलब जब वो एबी और एसी का सम करेंगे तो सर बीसी मिल जाएगा. हाँ, हमेशा ग्रेटर होगा. अगर हम एबी और बीसी या फिर एसी या सीबी या फिर बीसी या एसी कोई भी दो को ऐड करेंगे तो थर्ड से वो हमेशा बड़ा ही होगा. चाहे कैसा भी ट्रायंगल बना दें आप, है ना, किसी भी तरह का ट्रायंगल बनाए तो हमेशा दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा. ओके द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ओके सो दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी. सर सर ये हाइपोटेन्यूज मतलब इसमें ये राइट एंगल है, ठीक है, ए बी सी. अच्छा इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा, तो ये अगर इस प्रॉपर्टी को लगाए तो जो हाइपोटेन्यूज होता है सबसे लंबा होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट वन, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है? तो अगर ये सबसे लंबा है साइड, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में जो एंगल है ये तो 90 होता है. yes, sir. तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल होगा 90 से कम होगा. इट विल बी लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि रूल ये कहता है कि जो सबसे लार्जर साइड है उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वही सबसे लार्जर होगा, बाकी सब छोटे छोटे होंगे. ओके सो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री. सो दिस रूल वी कैन अप्लाई हियर.
Okay? So, student, we have inequalities of a triangle. Now, let's solve the question based on inequalities in a triangle. So, the question number 7.4, question number 1. Okay? And the question is that we have to prove that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. We have to prove that one. Okay? So, let's prove. So, as we know that the right angle triangle, the angle ABC will be 90 degrees, okay? Since it is a right angle triangle, and now the rest of the angle will become 90 degrees because the angle sum property of a triangle. क्योंकि सभी ट्रायंगल में सभी एंगलों का सब कितना होता है 180 होता है तो अगर एक 90 हो गया तो बाकी के भी क्या हो जाएंगे 90 हो जाएंगे ओके सो दिस विल बी टेक इट एज अ वन एंड टेक इट एज अ सेकंड अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे सिंस 90 है ये और इन दोनों को मिला के 90 हो रहा है एंगल ए और एंगल सी को इसका मतलब एंगल बी हर हाल में दोनों से बड़ा होगा है ना ये अकेले 90 और ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है ये जो है इन दोनों से हर हाल में बड़ा होगा सो दिस एंगल विल बी ग्रेटेस्ट वन एंगल भी क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा तो जो हमने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा द ग्रेटेस्ट एंगल विल हैव ग्रेटर अपोजिट साइड ठीक है उसके जो अपोजिट में साइड होगा वो ग्रेटर होगा तो इससे क्या प्रूफ हो गया था एसी विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ओके एंड एसी इज द हाइपोटेनस सो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सो वी हैव प्रूफ ठीक है